इंदौरी चटोरे. वेलकम बैक टू इंदौरी चटोरे. रात में क्या जा रहा है यार, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है. बहुत अच्छी सी, आपको देखने में समझ आ जाएगा कि हम कहाँ पर आए हैं. अभी आज के इस व्लॉग में हम आए इंदौर के एक बहुत फेमस शॉप है, उसका नाम है श्री कृष्ण कड़ी फाफड़े. और एरिया बहुत फेमस है, सिंस 1995 की शॉप है ये. और ये क्या चीज़ है तो तन्ना आपको दिखाएगा क्या चीज़ है ये, जहाँ अभी आज हम शूट कर रहे हैं. यहाँ पर सबसे पहले तो फाफड़े तो आपने सुने ही होंगे, तारक मेहता में देखा होगा. भैया जेठा लाल ने जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेमस कर रखा है और उसके साथ कड़ी. अब इसमें ऐसा रहता है कि जिसे अपन को कड़ी मिल गई तो कड़ी जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक फाफड़े मिलते जाते हैं. हाँ, अनलिमिटेड रहता है कि जब तक आपकी कड़ी चल रही तब तक आपको फाफड़े मिलते रहेंगे, जब तक आपके फाफड़े बाकी तब तक आपको कड़ी भी मिलती रहेगी. कैसा होता है क्या ऐसा भी होता हो, मतलब होता ही है, अपन ने नहीं खाया तो क्या होता तो है. चलो फिर लेट्स एक्सप्लोर. चलिए लेट्स एक्सप्लोर शुरू करते हैं फिर आज की एक्सप्लोरेशन. फाफड़े तो जैसे हम लोगों ने खाए हैं पर कभी ये नहीं देखा बनते कैसे हैं. तो ये भैया बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं यहाँ पे फाफड़े. तो आप देख सकते हैं कैसे वो भैया उसको पहले काट रहे हैं फिर तल रहे हैं उसको तेल में. बहुत सही एक्सपीरियंस लग रहा है. भैया एक बार करके बताओ फिर से कैसे करते हैं. ये होने के बाद ये देखिएगा, ये ऐसा बनता है एक फाफड़ा. ये उन्होंने उसको रखा और ये एक सेकेंड में लगा एक फाफड़ा रेडी होने के लिए, बस उसको तेल में तलना है और बन गया. कैसे बनता है भैया ये, इसमें क्या क्या रहता है? बेसन, मेनली बेसन और नमक अजवाइन मिर्ची बेसन. मतलब ये काफ़ी एक अच्छा फूड है. तो पापड़ ऐसे बनते हैं, देखते कड़ी कैसी है और कैसा टेस्ट है. तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं. तो गाइस ये देख सकते हैं जैसे कि ये होती है कड़ी. तो भैया से थोड़ा सा पूछेंगे भैया कड़ी कैसे क्या बनाते हो, कैसे करते हो, कैसे बनती है आप बताओ. दही और बेसन के साथ बनती है भैया कड़ी. और उसमें क्या क्या डालता है? राई जीरा बघार लगाते हैं और वो शक्कर डालते हैं. राई जीरे की बघार और शक्कर डालते हैं. मतलब दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है कड़ी है. पैक करके भी ज़्यादा सुविधा है, मतलब आप चली जाके खाइए, सबके साथ खाइए. और मिर्ची तली हुई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा. क्राउड बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे आज. क्राउड काफ़ी ज़्यादा, क्राउड तो हमेशा रहता ही है. किए थे अभी, तो ये हमारे लिए कड़ी पापड़े आ चुके हैं. और मिर्ची भी दी हुई है भैया, स्पाइसी स्पाइसी कड़ी पापड़ा. कड़ी मिर्ची तन्मय, चलो फिर खा के बताओ. खा के बताते हैं तन्मय, खा के बताने वाला कि कड़ी पापड़े कैसे लगते हैं यहाँ के. देखिए ये तन्मय ने ये लाया कड़ी, लाया पास में. कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रही है इसको तन्मय को. कड़ी बहुत अच्छी है, कड़ी बहुत अच्छी. चलिए फिर मैं भी टेस्ट करता हूँ. हाँ मैं भी टेस्ट करता हूँ. कैसी लग रही है? काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है यार. यार कड़ी बहुत अच्छी है, कड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है. फाफड़ा तो फिर मिट्टी के बेसन का बनता है, कड़ी कुछ अलग है. बढ़िया बढ़िया. चलो फिर भैया से बात करते हैं. बढ़िया, खा के फिर रिव्यू लेते हैं लोगों के कैसा लगता है उनको भी. सबसे ओनर से बात करेंगे. ओके बाय बाय बाय. गाइस अभी हमने खाए कड़ी फाफड़े और उसके बाद कचौरी मंगाई थी ना दोनों बेटा. तो अब यहाँ पर अंकल मिले तो अंकल से पूछा जाएंगे, अंकल आपको कैसा लगता है यहाँ का टेस्ट? कब से आ रहे हैं? चार पाँच साल से. थोड़ा जोर से बोलिए. चार पाँच साल से आ रहे हैं. चार पाँच साल से आ रहे हैं. और आपको कैसा लगता है इसमें कुछ कड़ी फाफड़े के टेस्ट में बदलाव वगैरह कुछ तो नहीं? ठीक है ना, एक जैसी स्वाद है हमेशा से जब से खा रहा है. अंकल से बात करें तो यहाँ पर हमें भैया और आंटी खाते हुए दिखे थे, तो ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है ये टेस्ट. हम अंकल से और आंटी से पूछते कि आपको कैसा लग रहा है. भैया सुपर्ब है और पिछले 15 सालों से आ रहा हूँ. 15 साल आ रहे हैं. आंटी आप बताइए. मैंने मेरी 52 साल की उम्र हो गई यहाँ पर आते हुए. बहुत टेस्टी रहती है और जब भी आते हैं मार्केट में जरूर खा के जाते हैं. जैसे कि इंदौरी चटोरे लोगों के एक्सपर्ट लोगों के रिव्यू लिए, हमने खाया हमको काफ़ी मज़ा आया. अब दादा की ये शॉप है, ये ओनर है, ये बताएंगे कि भैया रियल एक्सपीरियंस आपको कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा. कितने साल से आपकी दुकान है? 22-23 साल हो गए भैया दुकान को. कड़ी फाफड़े और कड़ी फाफड़े के नाम से चलता है भैया.
सब कड़ी फाफड़े, इमरती, समोसे, कचौरी सब मिलता है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। आपको कैसा लगता है आपकी दुकान पे इतनी भीड़ आती है? बढ़िया दिन भर भीड़ रहती है, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है भैया, सेटिस्फाइड। भैया बोल रहे थे कि दादा को देख के लोग यहाँ पर आते हैं, दादा को देख के लोग आते हैं पगड़ी से, क्योंकि भैया राजस्थानी पगड़ी और मेनली टेस्ट भी राजस्थान का ही मेनटेन करके चलते हैं यहाँ पर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमको। भैया का बर्थडे आज, अभी हमने सबके रिव्यू लिया और भैया का बर्थडे, तो भैया आपको हैप्पी बर्थडे एक बार। धन्यवाद। आपको कैसा लगता है कड़ी फाफड़े खा के यहाँ पे? सुपर। आप कब से आ रहे हो? से 3-4 साल से। 3-4 साल से आ रहे हैं। भैया को काफी ज्यादा टेस्ट जमा है यहाँ का, तो इंदौरी है भैया, इंदौरी चटोरे, इंदौरी तो चटोरे, इंदौरी तो चटोरे होते भैया। तो थैंक यू सो मच भैया, आपको वैसे हैप्पी बर्थडे एक बार। सब लोग साथ में आए हैं, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा था, बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ, हमने सिर्फ एक ही चीज़ शूट करा, क्योंकि फिर अब दिवाली वाला माहौल है तो इधर उधर हो जाएंगे हम लोग भी। तो कड़ी फाफड़े टेस्ट बहुत अच्छा था यार, काफ़ी अच्छी पुरानी शॉप है, काफ़ी फेमस शॉप है, इसलिए आज हम यहाँ आ गए थे। तो गाइस एंजॉय कीजिए, शेयर लाइक ये कमेंट वीडियो पहले उसके पहले वाली वीडियो पे कमेंट एक ही आया है। हाँ, कमेंट एक ही आया, कमेंट करो, सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करो, देखो, लाइक करो, बस कर दो यार, बार बार अच्छा लगता बोलना आप लोगों को। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो बहुत अच्छी आने वाली है, कुछ मीठा आएगा। आई डोंट हैव एनी आइडिया, कुछ मीठा आएगा, गेस करना क्या आएगा। चलिए फिर, मैं भी गेस करता हूँ, मुझे भी आइडिया नहीं क्या आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।